तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ से होता है शुरू राम मंदिर का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपका स्वागत है और हम लोग आ चुके हैं रांची धुरुआ में, राम मंदिर जो कि बना है 2024 को। और धुरुआ आ चुके हैं हम लोग, रांची धुरुआ 2024 राम मंदिर। तो अभी हम लोग पूरा राम मंदिर दिखाएंगे आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहेगा। पूरा राम मंदिर दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा सब कुछ दिखाएंगे। देख सकते हैं गाइस, रांची राम मंदिर धुरुआ दुर्गा पूजा का मूर्ति सब काफी मस्त मस्त बना है। देख सकते हैं जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, काफी अच्छा अच्छा मूर्ति बना हुआ है, काफी बढ़िया सब कुछ है। झूला भी लगा हुआ है, हम लोग बैक कैमरा में अभी दिखाएंगे। देख सकते हैं सर झूला, देख सकते हैं इतना बड़ा बजरंगबली, देख सकते हैं इतना सारा मेला लगा हुआ, पूरा मेला। दुर्गा पूजा राम मंदिर का यह बना पंडाल, राम मंदिर दुर्गा पूजा का यह पंडाल बना है। दुर्गा पूजा का आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। हाँ, इस लाइन से बाहर आ जाइए, इस लाइन से बाहर आ जाइए। जय बजरंगबली। भैया पैरोट मसाला के पास जाइए। राइट राइट, हाँ बाद भैया इधर इधर, हाँ आइए। इंद्र मजुमदार जी, आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास पहुंचे। विशेष मजुमदार जी, आप जहाँ कहीं भी हो बाहर आकर स्टेज के पास पहुंचे, आपके परिवार के लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़े मेन प्रवेश द्वार के बीच रास्ते में मरम्मत कार्य किया जा रहा है। रांची में हम लोग पहुंच गए हैं मेन प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ से, आप धीरे धीरे मुख्य पंडाल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और ये
दुर्गा पूजा का मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं राम मंदिर श्री राम लला पूजा समिति रांची आप सभी श्रद्धालुगण का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी श्रद्धालुगण से प्रणव आग्रह है कि श्रद्धालुगण धीरे धीरे अपने लाइन पे जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। इस रास्ते में वो श्रद्धालुगण जो निकाली द्वार से निकले बीच रास्ते को तोड़ने की कोशिश ना करे, इससे दूसरों को कष्ट होता है। राम मंदिर काफी अच्छा भी दिख रहा है। निवेदन है कि आप निकासी द्वार का उपयोग करें, निकासी द्वार से प्रवेश द्वार को घूम के आना होगा, प्रवेश द्वार नहीं है, निकासी द्वार से ही बढ़े। काफी बढ़िया राम मंदिर है, देख सकते हैं। श्रद्धालुगण से विनम्र आग्रह है कि निकासी द्वार के पास से प्रवेश ना करें, आपको प्रवेश द्वार पे जगह नहीं मिल पाएगा। प्रवेश द्वार के बाएं की तरफ से ही मुड़े, बाएं तरफ के जो रास्ता बनाया गया है उस तरफ से इसके बाद कहाँ जाएंगे प्रवेश द्वार बाहर की तरफ बाएं तरफ से है। सभी श्रद्धालुगण से बिना मात्रा है कि निकासी द्वार की तरफ से भी ना प्रवेश करें, प्रवेश द्वार की तरफ से कोई जाकर के दर्शन करना मुश्किल है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया निकास द्वार से प्रवेश न करें। एक मिनट हो गया बस। निकास द्वार में जो भी गार्ड है वो कृपया लोगों को बताएं कि यहाँ से जाने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में जाना बहुत मुश्किल हमारा विशेष रूप से आग्रह है प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करेंगे, अन्यथा आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। कृपया प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करें। आप तमाम भक्तजनों से हमारा विशेष रूप से आग्रह है आप प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करें, टीका द्वार से ही टीका सिद्ध करें। अभी हम लोग जा रहे हैं क्या हमारी देख सकते हैं यहाँ से सही उपयोग करें, अन्यथा आपको सही से बकरी बाजार आ चुके हैं। बकरी बाजार में भी काफी अच्छा बना है पंडाल, उसको भी अभी दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को। बकरी बाजार बना है, बकरी बाजार आए हैं अभी हम लोग, बकरी बाजार आए हैं तो देख चुके हैं। बकरी बाजार में भी काफी अच्छा बना है तो दिखा रहे हैं आप लोगों को। बैक कैमरा में ब्लॉग में बने रहेगा, देख सकते हैं। ले ले ले
और देख सकते हैं बकरी बाजार का मूर्ति काफी बढ़िया बना है। तो देख सकते हैं गाइस बकरी बाजार के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के पास, रांची स्टेशन के पास। काफी बढ़िया बना है, एकदम केदारनाथ जैसा, एकदम केदारनाथ का ही रूल बनाया हुआ है यहाँ पर। काफी बढ़िया देख ही सकते हैं, काफी बढ़िया बनाया हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस इधर छोटा छोटा शिवलिंग है, जय महाकाल जय भोलेनाथ, देख सकते हैं काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं इतना बड़ा पूरा एकदम केदारनाथ का ही रूल बनाया हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर का मूर्ति दिखाएंगे आप लोगों को, देख सकते हैं दूर से काफी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पर, काफी बढ़िया देख सकते हैं। रात में तो और भी अच्छा दिखता है, लेकिन हम लोग रात में तो रहेंगे नहीं, देख सकते हैं इतना मस्त दिख रहा है दोस्तों। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर का भी सीन दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग मोहन रहेगा, देख सकते हैं काफी बढ़िया बनाया हुआ है यहाँ पर, देख ही सकते हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दुर्गा पूजा का मूर्ति दिखाएंगे आप लोगों को, दुर्गा माँ का मूर्ति दिखाएंगे अंदर जाकर, देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, अंदर जाएंगे और अभी हम लोग आप लोगों को दुर्गा पूजा का मूर्ति दिखाएंगे, दुर्गा माँ का, देख सकते हैं काफी इधर बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। अभी हम लोग आप लोग दुर्गा माँ का मूर्ति दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहेगा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस दुर्गा माँ का मूर्ति केदारनाथ का सीन में, काफी बढ़िया है यहाँ पर दुर्गा माँ का मूर्ति, काफी मस्त है, देख सकते हैं। ऊपर का सीन देख सकते हैं आप लोग, ऊपर का सीन इधर इधर भी देख सकते हैं आप लोग, काफी मस्त है, देख सकते हैं दुर्गा माँ का मूर्ति, जय माँ दुर्गा माता, देख सकते हैं इधर काफी ऊपर में अच्छा अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट।